इस वीडियो में हम लोग थोड़ा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे प्लगइन्स का। यहाँ पे देखेंगे प्लगइन्स जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ प्लग का साइन बना हुआ है। तो जैसे नाम से ही लग रहा है, प्लगइन कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप अलग से प्लग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक अगर घर की एग्ज़ाम्पल लें तो एक घर होता है, जैसे उसके अंदर आप ला के अगर टीवी बाहर से ला के प्लग इन कर देते हैं, तो घर के अंदर कोई फंक्शनैलिटी या पहले से टीवी नहीं था, लेकिन आपने बाहर से एक चीज़ ला के और उसको घर के अंदर प्लग इन कर दिया, वो आपके घर का हिस्सा बन गई। तो यानी कि आपने घर के अंदर एक मज़ीद एक चीज़ ऐड कर दी। तो अपनी वेबसाइट के अंदर भी आप इस तरीके से मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होंगी आपकी वेबसाइट में, लेकिन आप उसमें प्लग इन यूज़ करके वो फंक्शनैलिटी या वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे गूगल मैप नज़र आए, अब गूगल मैप वैसे शायद यहाँ पर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा पोस्ट वगैरह में गूगल मैप का ऑप्शन शायद, लेकिन आप प्लगइन के थ्रू जो है वो गूगल मैप को भी अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो प्लगइन एक तरीके की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है जो कि लोगों ने बना के, कम्युनिटी ने बना के जो है वो जैसे रखी भी होती है। आप खुद भी प्लगइन्स बना सकते हैं, आप बना के दूसरों के लिए भी बना के पब्लिश कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको एक छोटी सी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिल जाती है। इसको आप प्लगइन कह लें, इसको आप ऐड ऑन कह लें इस तरीके से, या एक्सटेंशन कह लें। तो इससे आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी जो है वो मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी वेबसाइट में कोई स्लाइडर यहाँ पे चलाना चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट, ये अभी मेरी वेबसाइट बनी हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर ये जो मेरी तस्वीर है ये स्लाइड करे, हर थोड़ी बार चेंज होती रहे। तो हो सकता है कि वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट ऐसी कोई फंक्शनलिटी ना हो, लेकिन आप प्लगइन को यूज़ करके वो फंक्शनलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। या अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बंदा अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकता हो वेबसाइट पे और हमारी वेबसाइट से ही चीज़ खरीद सकता हो, तो हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस ये अलाउ नहीं करता हो, लेकिन आपको प्लगइन्स के थ्रू ये क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करने की जो है फंक्शनलिटी, वो आपको प्लगइन्स के थ्रू मिल जाएगी। तो प्लगइन्स बेसिकली एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं और लोगों ने प्लगइन्स बना के डाले हुए होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते होते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसका प्लगइन ना हो, तो आप खुद से भी, अगर आपको इतना आता हो तो आप खुद से भी कोई प्लगइन बना के यूज़ कर सकते हैं और उसको बाकी दूसरे लोगों के लिए भी पब्लिश कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर प्लगइन्स पर क्लिक करें, मैं बेसिकली अभी एक जनरल बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये दो प्लगइन्स यूज़ हुए हुए हैं। हम ऐड न्यू प्लगइन पर जाके कोई नए प्लगइन्स भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये सारे बहुत सारे अच्छा वर्डप्रेस में आपको बेतहाशा प्लगइन जो है वो बने बनाए मिल जाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी इतनी पुरानी है और उन्होंने इतने सारे प्लगइन्स बना के रखे हुए हैं कि आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लली खुद से नहीं करनी पड़ेगी, शायद उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लगइन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आके लिखता हूँ गूगल मैप, तो आई एम श्योर कि यहाँ पर हमें गूगल मैप के बहुत सारे जो है वो प्लगइन्स मिल जाएंगे। तो देखेंगे गूगल मैप के कितने सारे प्लगइन्स मिल गए। तो अगर बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर गूगल मैप नहीं लगा सकते थे, तो भी आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करके, जैसे इंस्टॉल नाउ लिखा है अभी तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर जो है वो आपका प्लगइन नज़र आने लगेगा आपको, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते होंगे अपने पास दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट पर। तो इस तरीके से जो है, या आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे वो चाहिए क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग के लिए जो है वो चाहिए फंक्शनलिटी, कि मेरी वेबसाइट पे आप क्रेडिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड लिख के लिखता हूँ, तो ये देखें क्रेडिट कार्ड प्लगइन्स वगैरह ये सारे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आ गई हैं, कि यहाँ पे आप वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं न्यू वेबसाइट पे। तो ये वैसे शायद फंक्शनलिटी नहीं थी, लेकिन आप इसको यूज़ करके, प्लगइन्स को यूज़ करके आप ये फंक्शनलिटी भी डाल सकते हैं। तो जो फंक्शनलिटी आपको बेसिक मिल रही है वो तो मिल ही रही है, बाकी सारी फंक्शनलिटीज़ आप प्लगइन को यूज़ करके आप हर किस्म की फंक्शनलिटी जो है अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये करना चाह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट में किसी किस्म का कोई मीडिया प्ले करना चाह रहे हैं, यूट्यूब वगैरह, वैसे यूट्यूब तो डायरेक्टली प्ले हो सकता होगा, लेकिन अगर आप नहीं करना चाह नहीं है ऑलरेडी और आप करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए प्लगइन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी जो कि वैसे नहीं थी, लेकिन आप वो अगर अपनी वेबसाइट में करना चाहिए, इमेज स्लाइडर अगर बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इमेज स्लाइडर वैसे नहीं था और आप इमेज स्लाइडर जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट में, तो आप इमेज स्लाइडर के लिए सर्च करें प्लगइन, तो आपको उसका कोई प्लगइन मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लें और उसको जो है वो फिर आप, हम देखेंगे बाद में किस तरीके से हम उसको सेटअप करेंगे। अब इसको प्रॉब्ली अगर हम इमेज गैलरी यूज़ करते हैं, तो हम उसको इमेजेस हमें देनी पड़ेंगी ताकि ये उसको दिखाए, तो वो इमेजेस हम इसको प्रोवाइड कर देंगे और सेटअप कर देंगे, तो फिर वो इमेजेस दिखाने लगेगा। या ऐसे स्लाइडर ऐसे ही यार थोड़ी बहुत तस्वीर चेंज हो रही है, अगर आप ये अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप इस प्लगइन की यूज़ कर सकते होंगे, उसको सेटअप करके फिर आप वो दिखा सकते होंगे। तो वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि प्लगइन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं और हर किस्म की फंक्शनलिटी ऑलमोस्ट अचीव कर सकते हैं बगैर खुद से कुछ भी प्लगइन बनाए हुए, बस बने बनाए प्लगइन को यूज़ करके। तो प्लगइन बेसिकली इस फंक्शनलिटी के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है।